रत्नागिरी यहाँ से 110 किलोमीटर और है। अब ट्रक से उतरने का भी आदत हो गया है, आसानी से उतर जाता हूँ। बैग है। बाय बाय। चलिए भैया, चलिए 15 किलोमीटर इनके साथ सफ़र रहा और टाइम हो गया है 8:16। बहुत अच्छे स्पीड से लोग चल रहे हैं। यहाँ से राइट में एक रोड जाता है मुझे, लेकिन उधर नहीं जाना है, मुझे लेफ्ट जाना है। तो करीब यहाँ 100 मीटर दूर होगा, 100 या 200 मीटर दूर है। पहले वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद फिर आगे क्या सोचते हैं। अच्छा ठीक, मैं वहीं जाना कॉर्नर पर, रत्नागिरी जाना है ना, आगे रोड नहीं है जहाँ पर दो रास्ता कटता है, वहीं उतार देना, वहाँ से गाड़ी ले लूँगा। हाँ ठीक ठीक यही है। हाँ ओके, थैंक यू। ये रास्ता बता रहा था, इस रास्ते मुझे नहीं जाना, मुझे जाना है इस रोड से, क्योंकि ट्रक जा रहा है इस रोड में, मेरे को इधर निकलना है। हाँ ओके, यूट्यूब ओके, सी यू देयर, बाय बाय। क्या नाम बताया आप, नाम क्या बताया? मैं नाम नोट करूँगा। ऋषिकेश जटार। ओके जी, मेरा दोस्त। अच्छा, बाय। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये मैं हूँ और ये मेरी परछाई है और अपन ट्रैवल कर रहे हैं। रहा है, लगता है मुझे लिफ्ट देगा वो। जहाँ तक छोड़ दो आप, थोड़ा तेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कर दो तो मैं दूर तक पहुँच जाऊँगा। हो गया, जा रहा हूँ दूर थोड़ा, लगता कि तो पहला मेरा ही आएगा। अभी स्टार्ट किया हूँ तो 2000 सब्सक्राइबर हैं, स्टार्ट किया सही। ठीक है, अच्छा लगा, बाय बाय। ये भाई साहब का घर हुआ, अपने घर जा रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा कि चाय नाश्ता पे आओ, चाय पानी लोगे? नहीं, मेरे को भी बहुत दूर निकलना है, तो मगर फिर भी शुक्रिया भाई साहब का। ये रहा पेट्रोल पंप, अब मुझे मिलेगा लिफ्ट यहाँ से। ट्रक भी लगा हुआ है, 2-3 ट्रक। अच्छा लगा इतना सुनने के बाद भी, रुक गया। अरे नहीं, हो गया, मैं आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू रुकने के लिए, इतना स्पीड से आप जा रहे थे। चलते चलते एक सब्सक्राइबर और, वन मोर सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच, गुड डे। चलिए आगे तो चलते हैं। चाबी कहाँ है? सरदार खान का गाड़ी इधर लगा हुआ है। ये है मैदान का जंगल और ये रहा नाइल नदी और मैं बियर गिल्स। चलते चलते मिला मुझे ये विट्ठल का मंदिर, काफ़ी पुराना दिख रहा है, लेकिन रुकूँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। और ये मंदिर और बगल में ये रहा मस्जिद, दोनों आपस में भाई भाई, और मैं इन दोनों के बीच में, क्या पता नहीं, बताओ। आ गया ना सर, मिला ना, यंगस्टर लोग देते हैं भाई, मुझे पता है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है। अच्छा आगे तक छोड़ देना, चलो। हाँ रत्नागिरी जा रहा हूँ, मुझे इन्होंने ड्रॉप किया ना, अच्छा किया ड्रॉप करके यहाँ पे, देखो मन भी कर रहा था यहाँ पर रुकने का। मैं भी जहाँ पर हूँ वो बहुत ही शांत जगह है, मतलब कि इसको फील मैं ही कर पा रहा हूँ फिलहाल, गोप्रो में ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, मगर जो आवाज़ अभी यहाँ पे है ना, सुनना ज़रा सो। और अभी रत्नागिरी यहाँ से 85 किलोमीटर अभी और आगे है, और यहाँ पर रुका ही हूँ तो थोड़ा सा अपना जुगाड़ में लेकर आया हूँ अपने पटना से। ये है शेख बोतल, इसमें मैंने सत्तू बना के रखा है। काफ़ी देर आराम हो गया और कोपरो का बैटरी भी मेरा चार्ज हो गया है ऑलमोस्ट, और मैं भी चार्ज हो गया हूँ, तो चलिए अब लिफ्ट लेते हैं। एक चला जा रहा हूँ इस घने जंगल में, किसी का कोई अता पता नहीं है, ट्रक वाले आएंगे तभी तो लिफ्ट देंगे मुझे। कोई नहीं, जुड़े रहिए, आ गया। रत्नागिरी, पानी वाले थे,
पानी तो भर लेता है मैं कम से कम। पता दिक्कत क्या हो रहा है, थोड़ा जंगल है, जंगल टाइप का है, तो लोग लिफ्ट देने में थोड़ा घबरा रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के मैसेज की रिप्लाई भी कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम भी थोड़ा चला ले रहा हूँ, अपडेट हो जाएगा। आगे जाना था, आ दिया 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 दिया, वाह, बस अंबा नहीं जाता हूँ भाई, रत्नागिरी जाता हूँ भाई। आगे तक छोड़ दोगे, जाना है रत्नागिरी जाना था। अंबा जहाँ तक छोड़ो, अंबा तक है कोई बात नहीं, वहीं तक छोड़ देना। चलते लिफ्ट लेते हुए जैसे मचा है, लिफ्ट लेके ही निकलूंगा ऐसा है। बाय। और ये शहर तो नहीं, मेरा गांव भी नहीं, जो भी है ये अंबा है। कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिफ्ट लेने का, आगे चलते हैं। रत्नागिरी जा रहा हूँ, आगे तक छोड़ दोगे? हाँ, जहाँ तक आप जाओ तो वहाँ उधर जाऊँगा, पीछे बैठ जाना। पहुंच गया क्या? ओके, खड़े खड़े आ गया। ठीक है, ठीक है, स्माइल कर दो अच्छे से बस। और असल में इस ट्रक का कुछ पार्ट टूट गया है, तो वही पार्ट को लेकर हम लोग तंदूर तक आए थे यहाँ तक। कौन सा पार्ट टूटा है? बैलेंसिंग सपोर्ट एंगर टूटा। हाँ, टूट गया है वो। मैकेनिक कौन है? हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, चाबी बनाओगे इसको? ठीक है, ये बन जाएगा तो ना मुझे कमेंट कर देना वीडियो में। ठीक है, हाँ, बन गया था। ठीक है, मिलो बाद में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चलिए, नेटवर्क नहीं था तो सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो अभी, तो लोग मिलते जा रहे हैं रास्ते में और सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। इसी बात पे एक शेर याद आ गया, सोचा सुना दूँ आपको भी, काफ़ी खूबसूरत शेर है कि चला था अकेला जानिब मंजिल की ओर, चला था अकेला जानिब मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। दोनों कोई उतर गए यहाँ पे, गाड़ी को चालू रखे हुए हैं, दोनों गए बाहर, उस ट्रक वाले के पास चल गए, पता नहीं क्यों गए। पता नहीं क्या बात है, दोनों गए हैं बाहर, तोड़ा तोड़ा डर लगता।